फैंस, आज हम जा रहे हैं क्रोएशिया। तो ऑस्ट्रिया जो है ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है यूरोप में। आप कह सकते हो, अगर जो पुराने लोग, उनको पता होगा कि जो है पहले जो है आयरन कर्टन होता था, तो ऑस्ट्रिया इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ से जो है सारी बाल्कन कंट्रीज और चेकोस्लोवाकिया और हंगरी सारे बॉर्डर पे लगते हैं, और दूसरी तरफ इटली और जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड दूसरी तरफ वो बॉर्डर पे लगते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ईस्टर्न यूरोप की तरफ, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और मजे लीजिए ईस्टर्न यूरोप के, क्रोएशिया के। और ये देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है, एल्प्स के बीच से निकलेंगे हम अभी और फिर हम एंटर होंगे स्लोवेनिया। तो अभी हमने पहली ब्रेक ली है क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, तो रुकना पड़ता ही बीच बीच में। तो ये बीच में स्टॉप है जहाँ पे लोग रुक के जो है रिलीव हो सकते हैं। काफ़ी लोग तो अपने कैंपर वैन वगैरह में आए हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुके हुए हैं, और आप देख सकते हैं पीछे लॉरीज वगैरह ही बहुत है। लेकिन पीछे देखिए मैंने कितना यहाँ पे बिल्कुल इन द मिड ऑफ द फॉरेस्ट ये बनाया हुआ है। वेरी नाइस डे एज वेल टुडे। मित्रों ये देखो, हम स्लोवेनिया में एंटर करने वाले हैं। स्लोवेनिया, यहाँ पे आपको स्लो ही चलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने विकनेट भी लेना है। तो 3 hours and 56 minutes रचा। तो ये देखिए जो जागरेब, तो उसको भी लुब्लियाना और क्रोएशिया को भी उनकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, वो HR से लिखते हैं। और बुदापेस्ट को बुदिमपेस्ता लिखा हुआ है इन्होंने। तो ऑस्ट्रिया निकलते यू कैन सी द डिफरेंसेस। तो घरों में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हुआ था, थोड़ा लगता है कि पुराना एरिया है। ऑस्ट्रिया में आपको जो है नई नई चीज़ें दिखती हैं। तो ये देखिए, ये स्लोवेनिया शुरू हो गया। देख सकते हैं कि यहाँ के घर जो है वो थोड़े पुराने स्टाइल के हैं। कंट्री भी ये काफ़ी पुरानी है। स्लोवेनिया जो है अर्स्टवाइल जो है यूगोस्लाविया का पार्ट है, उससे पहले ऑस्ट्रिया यूगोस्लाविया रहा नहीं बेटा, अब 1992 में ख़त्म हो गया यूगोस्लाविया। और गिनी करी थी कि काफ़ी सारे जो ये जो नए एक्सप्रेसवेज बने हैं, मोटरवेज बने हैं, ये यूरोपियन यूनियन के फंड से बने हुए हैं। यहाँ पे टोल भी बहुत हाई है, एक वीक का जो टोल है वो 16 यूरोस का है, विच आई थिंक इज बिट एक्सपेंसिव। क्रोशिया अलग अलग नाटक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टिकट निकालो पार्किंग की तरह और फिर आगे बढ़ो, जितनी देर यहाँ पे चलाओगे उतना तुम टोल दोगे। तो अब हम स्लोवेनिया भी क्रॉस कर चुके हैं और आ गए हैं क्रोएशिया में, जिसका अपनी लैंग्वेज में उसका नाम है हरवात्स्का नाम है उसका, लेकिन अंग्रेज लोग जो है, बाकी लोग जो है वो क्रोएशिया ही बोल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से फिर टोल लेना पड़ेगा, जो कि मेरे को बड़ा ही दुखद लग रहा है, इतने छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए जो है टोल देना। क्या लिखा है इंग्लिश में? फ्री पैसेज। यूके लोगों को फ्री पैसेज है? This is free passage. Only this bit. Continue for 61 kilometers. क्रोएशिया में बहुत सारी टनल्स भी आ रही हैं एक के बाद, ऑलरेडी जो है 5-10 टनल आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पे नीचे क्रोएशिया गांव आ रहा है, और यहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा है हमना सुतली, हिंदी बोलते हैं यहाँ के लोग, हमना सुतली। कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में वही है गांव का, कि कोई बिल्डिंग जो है वो चर्च से ऊंची नहीं होगी। भाई पूरी लैंग्वेज बदल चुकी है यहाँ पे। अब हम जो है, जैसे मैंने कहा, हम क्रोएशिया में घुस चुके हैं। और वैसे तो ये एक ही कंट्री होती थी यूगोस्लाविया पहले, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। 1992 के बाद जो है चेंजेस आ गए।
थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ जैसे कोई थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा और सोफिस्टिकेशन है, एनहांस्ड ब्यूटी लग रही है यहाँ पे, और काफ़ी मॉडर्न वर्क वहाँ पे दिख रहा है। बाकी टोपोग्राफी जिसको कहें वो सेम है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, आप भी देखिए बहुत ग्रीनरी है। तो अभी हम क्रोएशिया में रुके हुए हैं, और सबसे ख़राब बात हो ये है कि यार यहाँ पे जो है पब्लिक सर्विसेज जो है वो फ्री नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल। निहाल आपका फंस गया बेटा, अंदर बैठने जा रहे हो। ये यहाँ का देखिए ये सर्विस स्टेशन है यहाँ पे, वहाँ पे WC बने हुए हैं, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। ये टोल है, टोल भी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, एक बार यूज़ करने का जो है वो 20 यूरो का, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर अ डे, 20 यूरोस आई थिंक। आज तक जितनी कंट्रीज भी मैं गया हूँ सबसे एक्सपेंसिव यही रहा। ज़ाग्रेब से थोड़ी दूर पे जो है प्लिटविस करके नेशनल पार्क है, उसके साइंस आने शुरू हो गए हैं, और कमाल की बात है कि उसको जो क्रोएशियन लैंग्वेज है उसमें जजीरा लिखा हुआ है, प्लिटविस जजीरा। तो जजीरा तो अरबिक में आइलैंड होता है, तो उसका अरबिक देख सकते हैं उसका इन्फ्लुएंस जो है ये स्लाविक लैंग्वेज के ऊपर भी है। भाइयों और बहनों ये लो आ गए भैया, हम जर आ गए हैं, ये है हार्ट ऑफ क्रोएशिया, देख सकते हैं आप यहाँ आके मुझे आ गई है देहरादून की याद, बिल्कुल देहरादून लग रहा है यहाँ पे। अब आपका बचपन इधर नहीं था? वो भी है, आगे होगा, वो भी रील बनेगी उसकी बेटा, बचपन का नाता है मेरा क्रोएशिया से। हर जगह वहाँ पे तरबूज बिक रहे हैं, और देख के लग रहा है ऐसे कि इंडिया में ही घूम रहे हो आप, क्यों नहीं इंडिया में तो नहीं घूम रहे बट हाँ काफी यूरोप से डिस्कनेक्टेड लगती है जगह, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। So we are now officially in Croatia, and we have found this restaurant where barbecue is going on, some grill shrill going on. So we're gonna sit here. Look at this lovely barbecue, big barbecue going on here. Ah, that's amazing. So we're gonna have. Look at this. This is amazing. Welcome to Croatia. Jamaica. So probably this was the place. Have you found a place to sit? So now we are sitting in this Riva restaurant and damn busy. Itna busy ki poocho mat. Bahar ki garmi pad rahi hai, mujhe to India aa gaya. Parin log bahar baith ke kaise khana kha rahe hain? 40 degree ke aas paas lagta hai temperature hai bahar. Aur bahut garam hai. Abhi humne order kar diya hai. ब्रेड आ गई है बेटा, इसमें ऑयल और विनेगर डाल के खाना है। ये हमारा ग्रिल खाना आ गया भैया, एक ग्रिल और मंगा लेंगे चिकन का फिर बोलो। नहीं पहले ये तो जवाब सी चीज खाओ, तो जो ग्रिल वेजिटेबल्स है ना ये हमको पीस के बनाई है। हाँ
ठीक है, तभी इसमें पेपर्स का टेस्ट आ रहा है। सो दैट वाज आवर मील, लंच फिनिश नाउ। और बाहर इतनी गर्मी है भाई, इंडिया याद आ गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और इतनी गर्मी में ये आदमी कैसे काम कर रहा है, गॉड नोज। तो अब हमारा हो गया खाना, अब हम जाएंगे अपना एयर बी एन बी ढूँढने के लिए। और आपको मैं, अरे इतनी बड़ी आँख, ये क्रोएशिया लगता है, वहाँ पे फायर लग गई है। आई डोंट नो, लुक्स लाइक अ बिग फायर ओवर देयर। जिस गली हम जा रहे हैं भैया, क्रोएशिया गली, और हम पहुंच गए अपने अपार्टमेंट में। इसका नाम है रोको अपार्टमेंट, जरूर इसका कोई जापानी कनेक्शन होगा, तभी इसका नाम है रोको अपार्टमेंट। नंबर है इसका 23 और अपार्टमेंट है रोको। रोहिणी पता करने गई है कि हमारा जो कमरा है वो कहाँ है। तो ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे ये 3 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, विच इज क्वाइट नाइस। ये मास्टर बेडरूम है, और ये लिविंग रूम है, नाइस टीवी, नाइस किचन, लुक्स क्वाइट कंफर्टेबल, नो वंडर इट्स गॉट 9-star रिव्यू। गिरी कैसा लग रहा है भाई तुमको अभी तक ये अपार्टमेंट और क्रोएशिया का, अभी तक क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा भाई? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो, अभी तक तो मैं अभी सो के उठी हूँ। तो भाई ये और ये ऑलिव ट्री है ना, ये सारे ऑलिव ट्री हैं। और ये है क्रोएशिया आपके लिए, ज़दर सिटी, और ज़दर सिटी की जो है गलियाँ, वहाँ देखिए बोगनविलिया का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ वो बोगनविलिया है, यस। और ये है ऑलिव ट्री, रेड कलर का देखा, वैसे पर्पल कलर का तो नहीं देखा, तब पिंक है। और ये देखिए यहाँ पे जो है, ये तो ग्रेप्स का वाइन है, वाइन बन रही है यहाँ पे। और सामने वाला मकान जो है मुझे देहरादून की याद दिला रहा है। वो 10 बारी मैंने पापा को बोला था कि the steps है, फिर भी don't listen to her. You're missing the steps again. Now we're going down to the beach. To the beach. तो ये हमारा ज़दर का पहला बीच, कोलावरी बीच। वेव्स बहुत तेज हैं, पानी ठीक ठाक लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, बट ठीक ठाक दिख रहा है, भीड़ भी ठीक ठाक है। You think it's clear, clean and clear? Waves are too strong, huh? What a jet ski, a speedboat. I'm scared. We have to come back like this way, yeah, and then. So we just climb it. Come. आप यहाँ कैसे? आप यहाँ भैया बहुत राड़ा हो गया है। राबिया ये राबिया क्या हुआ यहाँ पे बताओ, कुछ रिपोर्टर खबर दो हमें। बस रोहिणी ने किसी जानवर पे पैर रख दिया और उसको थॉर्न्स डाल दिए। तो यहाँ अभी ज़दर पहुँचे हुए हैं, तो क्रोएशिया ज़दर पहुँचे हुए हैं। सुबह निकले थे हम लोग वियना से, ड्राइव करते 8 घंटे की ड्राइव करते हम शाम के तकरीबन 5 बजे ज़दर पहुँचे, थोड़ा रेस्ट करके अब हम बीच साइड पर आए हैं। ज़दर में ज़्यादातर पेवली बीचेस होती हैं। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, डिसअपॉइंटिंग था, बट ठीक है, बच्चों ने एंजॉय किया। पापा इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, एंजॉय किया वाले बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है शाबाश। तो आपको मजा आया है यंग मैन? या गुड गुड। आंटी जी आप कहां से आए? इंडिया से। और आपने यहां पे क्या पाया है? यहां पर क्या पाया है, यहां पर बहुत अच्छा बीच है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो राबिया क्या देखने लगी? वो गई है वो लेने एलोवेरा। चलिए देखते हैं क्या मिला है उसको। ठहर जा राबिया।
साबिया क्या मिला है आपको, क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है? देखो कितने लोग काट के लेकर गए हैं इधर से, हम भी खाली हो गए सारे एलोवे। आंटी जी कह रही है कि वो एलोवेरा की क्रीम बनाएंगी, यहाँ से जेल लेके जाएंगी। यहाँ एक और घायल हो गए हैं तो इनके बाद